25,000 के नीचे फ्लिपकार्ट में पोको X5 Pro तबाही मचा रहा है गेमिंग के लिए। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए कुछ ही दिन पहले Realme लॉन्च किया था Realme 10 Pro Plus 5G। पोको X5 Pro 5G और Realme 10 Pro Plus 5G दोनों ही किलर स्मार्टफोन है। आज इस वीडियो में दोनों ही फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही फोन को मैं अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूं। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। पोको X5 Pro 5G में बैक साइड की तरफ प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट यूज किया है, उसके वजह से हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह बहुत ज्यादा आता है। फ्लैट एजेस है, उसके वजह से पकड़ने में प्रीमियम जैसा फील देता है। फ्लैट एजेस फोन बहुत सारे लोग पसंद करता है। पोको X5 Pro का जो कैमरा का स्टाइल, बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाला है। ज्यादा करके पोको के ब्रांडिंग के साथ जो स्क्वायर डिजाइन दिया है, थोड़ा सा हटके डिजाइन है, बहुत सारे लोग पोको का ये फोन पसंद करेगा। लेकिन Realme 10 Pro Plus थोड़ा सा अलग है। मेरे पास ब्लैक कलर है, उसके वजह से स्लाइटली हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास अदर्स कोई भी कलर होगा हाथों का निशान नहीं आएगा। लाइटवेट फोन है, पोको से कंफर्टेबल ए देता है। एक तो कार्व डिस्प्ले है, तो उसके वजह से कंफर्टेबल फील देता है हाथ में पकड़ने में, और पोको से भी लाइटवेट फोन है। रियलमी का जो कैमरा का स्टाइल है, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कमेंट आ रहा था बहुत सारे लोग रियलमी का जो डिजाइन है पसंद कर रहा है। अपना अपना ओपिनियन होता है डिजाइन। बहुत सारे लोगों को पोको का डिजाइन पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को रियलमी का डिजाइन पसंद आएगा। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कौन सा फोन का डिजाइन अच्छा लगा। लेकिन एक चीज सभी लोगों को पसंद आएगा, सुमन टेक्नो के सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबा दो यार। चलो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। पोको जाना जाता है गेमिंग के लिए। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया है, 5G चिपसेट है। रियलमी के फोन में मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 चिपसेट। दोनों फोन का जो अंतुदु स्कोर है वो सेम है। रियलमी के फोन में 5,10,000 के आसपास आता है, पोको के फोन में 5,20,000 के आसपास आता है। दोनों ही फोन में मैं गेमिंग टेस्ट किया हूँ। पोको के फोन में ना मैं जब स्मूथ एंड एक्सट्रीम करके खेल रहा था, अच्छी तरीके से चल रहा था, नहीं तो कोई लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, स्मूथ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैं HDR अल्ट्रा करके खेलने जाता हूँ पोको के फोन में, ग्राफिक्स तो इंक्रीज होता है, लेकिन अब लोगों को थोड़ा बहुत लैग वगैरह मिलेगा अगर आप HDR अल्ट्रा करके पोको के फोन में पबजी वगैरह खेलोगे। पोको में ये माइनस पॉइंट है, मैं एक खुद नोटिस किया हूँ। पोको के फोन में कंटिन्यू मैं 4.5-5 घंटे तक गेमिंग कर रहा था, क्योंकि इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करना था, तो उसके वजह से मैं गेमिंग कर रहा था। मैं हर एक फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करता रहता हूँ 100% से 0% तक, हमारे सेकंड चैनल में जाके चेक कर सकते हो। मैं कंटिन्यू पबजी खेल रहा था बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के लिए। इसका जो हीटिंग है ना वो 40 के आसपास रहा था, 41 डिग्री या 42-43 इसके आसपास था, इसके ऊपर नहीं गया है। कंटिन्यू जब आप लोग 4-5 घंटे तक किसी भी फोन में गेमिंग करोगे, ऑब्वियसली स्लाइटली हीट होता है। रियलमी के फोन में भी मैंने पबजी खेला हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर एक सिचुएशन में, चाहे वो HDR अल्ट्रा हो या स्मूथ एक्सट्रीम हो, हर एक सिचुएशन में अच्छा पबजी एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चौंक गया हूँ। पोको जाना जाता है गेमिंग के लिए, लेकिन इस बार पोको को बीट कर दिया है गेमिंग के मामले में रियलमी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉक हूँ। दोनों ही फोन में मैंने एप्लीकेशन वगैरह ओपन कर रहा था, दोनों ही फोन में एप्लीकेशन ओपनिंग के टाइम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जबरदस्त अच्छी तरीके से बिना लैग के सारे ही एप्लीकेशन ओपन कर रहा था। बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हूँ। पोको के फोन में स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 5.5 घंटे के आसपास लगा है, मेरे सेकंड चैनल में है, एक बार जरूर चेक कर लेना। मैं पहले भी बता चुका हूँ बैटरी ड्रेन टेस्ट के टाइम में उतना ज्यादा हीटिंग इशू नहीं था। रियलमी के फोन में मुझे 5 घंटे के आसपास दिया है, तो स्लाइटली बेटर आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा पोको के फोन में। दोनों ही फोन में 67W का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया है। फुल चार्ज होने के लिए दोनों ही फोन 45 से 50 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। मैं खुद टेस्ट किया हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चार्जिंग के टाइम में भी दोनों ही फोन हीट नहीं होता है। चलो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। रियलमी के फोन में तबड़तोड़ डिस्प्ले है। ज्यादातर लोग रियलमी के फोन को खरीदेगा इसके डिस्प्ले के वजह से। 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। हाईलाइटेड चीज ये नहीं है, यहाँ पे कार्व डिस्प्ले है। ज्यादातर लोग इसके वजह से ही फोन को खरीदेगा। कार्व डिस्प्ले अभी ट्रेंडिंग में है। 25,000 के आसपास जो सारे भाई लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं ना, ज्यादातर लोग कार्व डिस्प्ले को देखते हुए फोन को खरीद रहा है। इस फोन में मैंने बहुत सारे मूवी वगैरह देखा हूँ, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से 10-bit कलर दिया है, तो उसके वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट में या वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। और हाँ, कार्व डिस्प्ले की वजह से ना रियलमी का जो बेजल्स वगैरह है वो बहुत पतला लगता है। आउटडोर में भी मैं रियलमी के फोन को यूज कर चुका हूँ, आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। पोको के फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस यहाँ पे भी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों
को Realme के फोन में मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर मिलेगा, क्योंकि कार डिस्प्ले के वजह से बेजल्स वगैरह कम है, तो एक अच्छा लुक या एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा पोको के फोन से। पोको में AMOLED डिस्प्ले वगैरह दिया है, अच्छा है, 10:8 कलर वगैरह या HDR 10 प्लस का सपोर्ट यहाँ पे भी है। पोको के फोन में अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कार डिस्प्ले के वजह से या बेजल्स कम के वजह से Realme के फोन में बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। स्क्रॉलिंग में या अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो, दोनों ही फोन में आप लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। चलो अभी कैमरा के बारे में बात करेंगे। पोको के फोन में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। Realme के फोन में भी सेम सेटअप दिया है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पे भी मिलता है। चलो साइड बाय साइड कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए दोनों फोन का जो कलर टोन है ना वो स्लाइटली अलग-अलग मिलेगा। पोको के फोन में स्लाइटली येलो टोन लेकर आता है ज्यादातर फेस के ऊपर, उसी जगह में Realme एक अच्छा नेचुरल कलर प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे लोगों को पोको का कैमरा पसंद आएगा ह्यूमन जो टोन है, बहुत सारे लोगों को Realme का भी जो ह्यूमन टोन है वो पसंद आएगा, लेकिन जब नेचुरल पिक्चर के बात आए वहां पे कहीं ना कहीं पोको स्लाइटली आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। डिस्प्ले में बहुत सारे फ्लावर का पिक्चर है, आप यहाँ पे देखिए पोको ना स्लाइटली जो व्हाइट बैलेंस है या जो येलो पिक्चर वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, येलो फ्लावर का पिक्चर वगैरह, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो पोको अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, उसी जगह में Realme स्लाइटली बूस्ट कर देता है कलर को, हर एक फ्लावर को, येलो कलर या व्हाइट कलर, हर एक सिचुएशन में Realme स्लाइटली कलर को बूस्ट करता है, पोको वहां पे ठीक ठाक मेंटेन करता है। पोको के फोन में एक माइनस पॉइंट है, पोको के फोन में स्टडी मोड दिया है, और इसके स्टडी मोड में जब आप लोग कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करते हो बहुत ज्यादा लैग होता है। चलो रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन का 6GB 128GB वेरिएंट हमारे पास है। रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन का उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन को रैम में किल करता है, पोको Realme दोनों ही फोन किल करता है। मुझे पता नहीं अगर आप 8GB वेरिएंट के साथ जाओगे वहां पे कितना अच्छा रैम मैनेजमेंट वगैरह मिलेगा, मुझे लगता है स्लाइटली बेटर मिलेगा 8GB रैम में, लेकिन मेरे पास 6GB का रैम है दोनों ही फोन का, तो उसके वजह से रैम मैनेजमेंट दोनों ही फोन का बेकार है। लगभग 50% एप्लीकेशन रैम में है और 50% एप्लीकेशन टोटली किल कर देता है। Realme या पोको दोनों ही ब्रांड को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। Realme के फोन में Realme UI रन करता है और पोको के फोन में MIUI रन करता है। मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना MIUI पसंद करता है, बहुत सारे लोग Realme का UI पसंद करता है। अगर मैं एक दिग में जाऊंगा जिस दिग में मैं नहीं जा रहा हूँ वो सारे फैन मुझे गालियां देगा, तो यार मैं आप लोगों को साइड बाय साइड अगर एक्सपीरियंस दिखाऊं ना कहीं Realme स्लाइटली बेटर लगता है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है दोस्तों, मैं दोनों फोन को यूज कर रहा हूं उसके बाद बता रहा हूं। UI के मामले में कहीं ना कहीं Realme UI स्लाइटली बेटर लगता है MIUI से। पोको के फोन में कुछ एडवांटेज है, जैसे कि IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, यानी कि आपके घर को स्मार्ट घर बना सकते हो, AC, TV या बहुत कुछ रिमोट बना सकते हो पोको X5 Pro को, जो आप Realme में नहीं यूज कर पाओगे। प्राइस के बारे में बात करा जाए, पोको का जो प्राइस है 6GB 128GB 23,000 रुपीस में अभी फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, और Realme का जो 6GB 128GB 25,000 रुपीस में मिल रहा है। देखिए दोनों ही फोन बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि Realme बेटर है या पोको बेटर है, दोनों ही फोन बेटर है। अगर आप लोग कार डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हो, Realme के ब्रांडिंग के साथ जाना चाहते हो, तो आप लोग Realme के पास देखिए। अगर आप लोगों के लिए कार डिस्प्ले उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है लेकिन पोको का ब्रांडिंग अच्छा लगता है, पोको के MIUI ज्यादा पसंद है, तो आप लोग पोको के पास देख सकते हो। दोनों ही फोन इक्वल भी परफॉर्मेंस करता है। अभी आप देखिए आप कौन सा फोन लेने वाले हो, मैं आप लोगों को बता दिया हूं दोनों ही फोन बेस्ट है, आपको जो फोन पसंद आता है वो खरीद लीजिए। अभी भी मन में कोई भी डाउट है ना कमेंट बॉक्स में बताओ, हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।